रानी माँ, पहचाना आपने इन्हें? हम इसे कैसे भूल सकते हैं राजकुमार? ये चेहरा अरावली की मौत का चेहरा है, ये चेहरा महाराज की मौत का चेहरा है। तुम लोग राजकुमारी को कहाँ ले जाओ? इसकी अंतिम यात्रा पर सर काट देंगे, इसे जिंदा चला देंगे हम लोग। खबरदार, राजकुमारी का अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ और तुम लोगों ने उसकी सजा भी मुकर्रर कर दी। अरावली का न्याय इसकी आज्ञा नहीं देता। आप हमारे सामने से हट जाइए राजकुमार, वरना हमारे इंतकाम की तलवार ये भूल जाएगी कि हमारे सामने अरावली का राजकुमार खड़ा है। गुस्ताख, आप इन्हें रोकिए रानी माँ, ये लोग अपना आपा खो चुके हैं। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। लेकिन ये जो हो रहा है वो अधर्म है रानी माँ। अगर राजकुमारी की जान चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो थंबौर में हुआ था राजकुमार, जब हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर महाराज को मृत्यु दंड दिया था। आग से आग नहीं बुझती रानी माँ। लेकिन राजकुमारी की चिता की अग्नि से महाराज की समाधि का चिराग जरूर जलेगा। रानी माँ, जिस अपराध के लिए आप राजकुमारी को दंड देने जा रही हैं, आप स्वयं उसकी अपराधिनी बन जाएंगी। उस दिन महाराज की हत्या हुई और यह देखती रही, आज इसकी हत्या होगी और आप देखती रहेंगी। ये तो अन्याय है रानी माँ, अन्याय। अरावली की महारानी को एक बिगड़े दिल राजकुमार से न्याय की शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। मुझे तलवार उठाने पर मजबूर मत कीजिए रानी माँ। अपने पिता के हत्यारन के लिए तुम तलवार उठाओगे, अरावली से बगावत करोगे? धिक्कार है हमारे दूत पर, जो यवन की पहली पुकार सुनते ही पानी हो गया। यह आप ही का दूध है रानी माँ, जो आज आपसे न्याय की मांग कर रहा है। मैंने गुरुकुल में सौगंध ली थी कि यह तलवार सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उठेगी, और आज सत्य और न्याय की रक्षा के लिए यह तलवार अरावली के विरुद्ध उठाने में मुझे संकोच नहीं होगा। मेरी जान अरावली की अमानत है, मेरा खून आपका कर्ज है, लेकिन सत्य और न्याय मेरे लिए सर्वोपरि है रानी माँ, सबसे बढ़कर। फिर युद्ध होगा, एक गद्दार राजकुमार और वफादार सैनिकों के बीच युद्ध होगा। मैं गद्दार नहीं हूँ रानी माँ, अपने सिद्धांतों से बंधा मजबूर योद्धा हूँ। और हम अपने वचन से बंधे हुए हैं राजकुमार।